हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली शफल और इसमें से लूँगी 5 कार्ड्स। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और उन 5 कार्ड्स को फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो से। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से कलेक्टिव एनर्जी, आपके पार्टनर की कलेक्टिव एनर्जी आज के दिन में। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं गाइस, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। पहला कार्ड है जजमेंट और दूसरा कार्ड निकल कर आया है टावर। हैवी एनर्जी है, कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो सके। टावर के बाद न्यू बिगनिंग आ गया है, हैवी एनर्जी है। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और एंजल्स। हर्मिट, 1 मोर कार्ड, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, सन एंड मून, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। सो आज की एनर्जी हैवी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हैवी एनर्जी में हैं। कुछ तो परेशानियां हैं उनके लाइफ में, कुछ तो बर्डन है उनके लाइफ में, जो उनका ईगो है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कर्माज हैं वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जैसे जैसे शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एनर्जीज़ एक्यूमुलेट हो रही हैं, जो कर्मा है वो बहुत हैवीली इनको ट्रिगर करने वाला है। कोई ऐसा डिसीजन इनके लाइफ में, कोई ऐसा जजमेंट या तो ये ले सकते हैं, डिसीजन ऐसा ले सकते हैं कुछ ख़त्म करने का, एक नई शुरुआत करने का। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं तो इनको कोई हैवी ट्रिगर मिल सकता है, कोई भारी धोखा, कोई भारी लॉस, तबीयत ख़राब से रिलेटेड कोई न्यूज़, घर के अंदर कोई कलह कलेश, किसी भी तरह का इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना पड़ सकता है। जो भी व्यूवर्स के पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या डिवाइन के द्वारा निर्धारित रास्ते पर न जाकर किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको वापस खींच के लाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी इनके लाइफ में, और वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, मतलब ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी और पता करेंगे कि एक्चुअली में कहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में सन एंड मून की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो उनके पार्टनर हैं उनकी फैमिली, स्पेशली मेल फीमेल, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ, अगर वो सिंगल हैं तो उनके पेरेंट्स के बीच में कोई बड़ी बहस हो सकती है किसी मुद्दे को लेकर। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साइन बता देती हूँ, यहाँ पर लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, पाइसेस है, लियो है, ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं मेजर अरकाना से ये कार्ड्स। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, कैसा जजमेंट। एक कार्ड और आया है मजिशियन। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ, जो ये चाहते हैं उसके लिए डिसीजन लेंगे हिम्मत करके, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं उसके लिए स्टैंड लेंगे, हिम्मत करेंगे। यहाँ पर कई लोगों के पर्सन की हेल्थ या कई लोगों के पर्सन की फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज सुनाई दे सकती हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, कैसा टावर मोमेंट। सफरिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन, जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो चीज़ें छीनेंगी यूनिवर्स, जिससे इनको बहुत तकलीफ होगी। मतलब अगर आपके पर्सन
सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बिजनेस लॉस हो जाएगा, या डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं, अपने जिस पर्पस के लिए उन्होंने धरती पे जन्म लिया है उसको भुलाकर अगर वो 3D की चीज़ों में अटके हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पैसा, मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरी स्टेबिलिटी, मेरी इज्जत, मेरा सोशल स्टेटस, मेरी कास्ट, मेरी कल्चर, मेरी एज, सो यहाँ पर जो भी मेरा 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 है, वो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिस चीज़ को लेकर वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उस चीज़ का ही खात्मा यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज इनको एहसास हो कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूनिवर्स टाइम टू टाइम अवेकन करने के लिए कुछ ट्रिगर्स देती है, उस ट्रिगर पर इंसान अगर अवेकन हो जाए तो ठीक है, नहीं होता, ज़िद्दी है तो आगे चल के उससे बड़ा ट्रिगर देती है ना। तो यहाँ पर ये ट्रिगर मोमेंट है आपके पर्सन की लाइफ का। द फूल का कार्ड क्यों आया है मेजर अरकाना से, कुछ ख़त्म होगा, एक नया डिसीजन होगा, स्टक सिचुएशन से जस्टिस होगा, यहाँ पर एक स्टेप लेंगे। ये ज़्यादा कार्ड्स हैं इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ से हमारे पास जो आया है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे गाइस। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इनके लाइफ में इनका ईगो रहा है, या इनके लाइफ में इनकी फ्लर्टी एनर्जी रही है, मल्टीपल अफेयर्स में रहना, आपको धोखा देना, चीट करना, आपके साथ ऑन एंड ऑफ में रहना, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, आपके सच्चे प्यार की इज्जत नहीं करना, तो यहाँ पर उनको एक तगड़ा ट्रिगर मिलेगा, ताकि इनको समझ में आए कि इनको निकल कर एक बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनको अवेकन किया जाएगा। क्यों आया है हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, मैंने कहा इनको अवेकन किया जाएगा। यहाँ पर डेथ एंड टावर दोनों आ गया, इनका दिल तोड़ा जाएगा, इनको जिस चीज़ों से अटैचमेंट है, जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपके प्यार को दाव पे लगा दिया, उन चीज़ों को जब इनसे छीना जाएगा तब इनको तकलीफ़ होगी, तब इनको समझ में आएगा कि कैसा लगता है जब किसी का दिल टूटता है, तो कैसा लगता है जब तकलीफ़ होती है, कैसा लगता है जब सामने वाले का वैल्यू नहीं किया जाता है। तो इनको उन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है जो चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में वैल्यू नहीं करी हैं, या अपने लाइफ में बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन 100% है, ये देखिए, यहाँ से भी टावर है, यहाँ से भी टावर है, और यहाँ पर डेफिनेटली ब्रेक थ्रू है। सन की एनर्जी आई है, क्या कोई एक्शन होगा या फैमिली में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर इनको कोई फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो रिकवरी भी हो सकती है, सूर्यदेव की कृपा होगी। टेम्परेंस की एनर्जी है, जब बहुत ज़्यादा ज़ख्म लगेंगे तो मरहम का काम करेंगे सूर्यदेव। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए इनको बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये बड़ा एक्शन होने के बाद इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सही ट्रैक पर गाड़ी चलेगी, बैलेंस होगी सिचुएशन। मून का कार्ड क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं उनकी फैमिली, या उनके लाइफ में कुछ बर्डन, या उनके लाइफ में कोई ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ट्रॉमा बहुत हाई होगा। स्पेशली जैसे जैसे न्यू मून के करीब पहुंचेंगे, वैसे वैसे ये सिचुएशन और बढ़ेंगी। साथ ही साथ सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है, तो सोलर इक्लिप्स भी ट्रिगर करेगा, शनि डायरेक्ट हो रहे हैं उसका भी ट्रिगर है। तो अब जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक इनके लाइफ में अब ट्रिगर मोमेंट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है, तो अगर आप लोग टच में हैं तो कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिससे आपका रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट आए, और अगर आप टच में नहीं हैं तो बेटर है कि अभी टच में नहीं हैं, अगर बातचीत होती भी है तो सतर्क रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है, आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, प्लीज़ गाइड करें आज के दिन में या नियरेस्ट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। कर्मा साइकिल, डेस्टिनी, मेमोरीज ऑफ लव विद हैंग्ड मैन, सेक्रीफाइस की एनर्जी है, गजब की एनर्जी आई है यहाँ पर। 8888 मैंने हमेशा कहा आपको 8 नंबर शनि महाराज का होता है, तो शनि देवता की एनर्जी है यहाँ पे। कर्मा ट्रिगर करेगा, 23 अक्टूबर को शनि डायरेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कर्मा हैवीली ट्रिगर करेगा, फील करा देंगे कि वो डायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखा रहा है, कर्मा साइकिल पे इफेक्ट करेगा। पेशेंस रखिए, फ़िलहाल आप सब्र रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस तो 100% रिसीव होंगे, चाहे उनकी सिचुएशन जो भी हो, उनके लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, अच्छा बुरा कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव होंगे। आपको होपफुल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आने वाले 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 8 दिन। प्लीज़ गाइड करें क्यों आया है डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे कर्मा साइकिल ट्रिगर करेगा, देखिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ रहा है। रीयूनियन और थर्ड पार्टी एंडिंग दोनों की एनर्जी है यहाँ पर, हीलिंग की एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हील्ड होगी यहाँ पर। सब्र क्यों रखना है, पेशेंस क्यों रखना है, सब्र का क्या फल मिलेगा, विजडम, नॉलेज, कमिटमेंट। मेरे व्यूवर्स तो इतने में ही खुश हो गए होंगे। थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट, मदर गाया आ गई यहाँ पर, तो अब क्या बोलना है। सब्र का फल, इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर ये है आज की मेन एनर्जीज, जो कि जान है इस एक्शन की, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। ये मदर गाया की वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं स्क्रीन पे, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक अलग ही वाइब्रेशन लेकर आती हैं मदर गाया अपने साथ। ये देखिए डिवाइन की एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है गाइस, मदर गाया की एनर्जी है और किसी कार्ड में ये एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे मदर गाया की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। सो ब्लेस करें मदर गाया मेरे व्यूवर्स को, और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा गाइस। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आने वाले 8 घंटे और 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में घालमेल दिख रही है मुझे। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। तो पहला मैसेज आज निकल कर आया है, आई वुड स्टिल चूज यू इफ़ आई हैड 100 लाइफ टाइम्स इन 100 वर्ड्स इन एनी वर्जन ऑफ रियलिटी। यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये हमेशा आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे कितनी भी जिंदगियाँ ले लें, कितनी भी दुनिया बदल लें, लेकिन आप इनकी रियलिटी में रहोगे। एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर इज़ बर्निंग विद इंटेंसिटी। ये जो भी मोमेंट आपके साथ बिताए हैं, ये अभी भी उतने ही मिसिंग एनर्जी में हैं, उतने ही फ्रेश है वो मोमेंट्स इनके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से उन मोमेंट्स को ये याद करते हैं। यू हैव ऑलवेज़ हैड अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑरा अराउंड यू। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक स्पेशल काइंड का ऑरा है जो इनको फील होता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी है जो इनको फील होती है। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो है, वेन टू सोल्स आर मीन टू कनेक्ट द लोकेशन टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसिस आर ऑल इररेलीवेंट। जब दो सोल्स को एक होना होता है तो लोकेशन टाइमिंग और सर्कमस्टांसिस मैटर नहीं करते। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो ये है, द वे यू लुक एट मी विद दोज ब्यूटिफुल आइज इट ऑल मेक्स माई हार्ट रेस। आपके ब्यूटिफुल आइज से जब आप इन्हें देखते हो, इनका दिल दौड़ने लगता है। सो ये कुछ लव मैसेजेस हैं जो आपके लिए निकल कर आए हैं। अब मैं देखूंगी एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है क्रॉस रोड्स। आपके पर्सन इस वक्त क्रॉस रोड से गुजर सकते हैं, या हो सकता है आप में से भी कुछ लोग किसी तरह के क्रॉस रोड से गुजर रहे हो। बिज़नेस ओपन करूं या जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं या बिज़नेस करूं, या
लव लव मैरिज करूं या अरेंज्ड मैरिज करूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। बम्पी राइड, आने वाला समय कुछ हैवी ट्रिगर्स लेकर आने वाला है। रास्ते में थोड़े हर्डल्स आपको दिखेंगे, मतलब स्पेशली आपके पर्सन को जैसा एनर्जी में आया है। रीच फॉर द स्टार्स, यू हैव बेयरली स्क्रैच द सर्फेस, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक आपने उन पोटेंशियल्स को दबा कर सप्रेस करके रखा है। उन पोटेंशियल्स को बाहर निकालें। और लास्ट कार्ड है आज के लिए, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जब आपको ऐसा लगे कि सारे दरवाजे आपने नॉक कर लिए हैं, ऐसा नहीं है, आपने करेक्ट वन को अभी तक नॉक नहीं किया है। भगवान के दरवाजे बंद हैं ऐसा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपने सही दरवाजे को नॉक ही नहीं किया है अभी तक। और बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंसिंग एक्ट। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप दोनों के लाइफ में सडन बैलेंस लेकर आएंगी, इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगी। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। 8 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, और कुछ लोगों के लिए 8 दिन। अगर मैसेजेस रिसीव होते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आने वाले किसी भी फ्रॉड नंबर से बच के रहिए, मैं कभी भी कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ, डिस्क्लेमर ज़रूर से देखा कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।